जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने वाली हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक है कैलेंडर, जिसमें आप सभी लोगों को मतलब कुछ लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने कैलेंडर की मेरी ये क्लास ले ली तो आप एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं कर पाओगे, बशर्ते आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जो मैं पढ़ाऊँ उसके आपको नोट्स बनाने होंगे। बिल्कुल गारंटी लेती हूँ कि आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कैलेंडर है, कैलेंडर होता क्या है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए ना। कैलेंडर में आपके बर्ड्स, माह, सप्ताह, दिन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स को इंग्लिश में कहते हैं ईयर, ठीक है। तो अब एक कन्फ्यूजन रहता है कि आपके जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। बर्ड्स आपके दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं। तो बर्ड्स आपके दो प्रकार के हैं। पहला है साधारण वर्ड्स, पहला है आपका साधारण वर्ड्स, और दूसरा है आपका लीप वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स आपके दो प्रकार के होते हैं। साधारण वर्ड्स, इसे हम कहते हैं नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। और जो आपका लीप वर्ड्स है, इसे कहते हैं लीप ईयर, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ आई, बस कुछ नहीं है। वर्ड्स आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताया है। साधारण वर्ड्स में आपके कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ड्स में आपके कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया, साधारण वर्ष से एक दिन ज़्यादा होता है लीप वर्ष में, एक दिन ज़्यादा होता है लीप वर्ष में, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ आई, बस जब आपको ये कंडीशन समझ आई तो बस आप में आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि इसमें 365 दिन है, इसमें 366 दिन है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अब आपको पता है कि भाई 365 दिन है, तो इसमें एक जो फरवरी का जो सबसे बड़ा मैटर रहता है, फरवरी का रहता है, फरवरी इसमें 28 दिन की होती है, और 366 दिन में आपकी जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, ठीक है। कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। चलो आपको ये भी समझ आ गया। और 29 दिन की क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है लीप ईयर हर साल नहीं आता, लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। समझ गए, लीप ईयर और साधारण वर्ष होते क्या हैं, आप कैसे पहचानोगे कि ये साधारण वर्ष है और ये लीप ईयर है, तो इसको भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देख लीजिए लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, आप पहचान जाओगे कि ये आपका लीप ईयर है और ये आपका साधारण वर्ष है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, लीप वर्ष होता है आपका ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी तरह चला जाए, लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 1948 है, ठीक है, देखिए 1948 है ना। अब आपको कैसे पहचानना है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो बस कुछ नहीं, पीछे के दो अंकों में आपको 4 से भाग देना है, 4 × 4 = 8, तो भाग जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है। समझ गए, 20 में जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 24 में जा रहा है, 48 में जा रहा है, इत्यादि। मतलब और भी वर्ष हैं जिसमें 4 का भाग जाता है और वो लीप ईयर है, ठीक है। अब साधारण वर्ष में कैसे पहचानोगे कि ये आपका साधारण वर्ष है, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी तरह नहीं जाता। जैसे 1925 में देखिए जा रहा है 4 का भाग, नहीं जा रहा। 15 में जा रहा है, 25 में जा रहा, नहीं जा रहा, इत्यादि। मतलब और भी आपके साधारण वर्ष हैं, यहीं तक ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। कुछ अपवाद होते हैं जिसमें 4 का नियम नहीं लगता, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ अपवाद के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ आपका चार का नियम काम करता है वो आपका लीप वर्ष है, और जहाँ चार से भाग नहीं जाता किसी भी वर्ष में वो आपका साधारण वर्ष है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, ये जो शताब्दी वर्ष है ये अपवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे वर्ष जिनके अंत में दो शून्य आते हैं, देखो दो शून्य आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे वर्ष जिनके अंत में दो शून्य आते हैं, ऐसे वर्ष जिनके अंत में दो शून्य आते हैं शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। अभी हमारी कंडीशन पूरी फिनिश नहीं हुई, ये पता है इनमें से साधारण वर्ष भी हैं और लीप वर्ष भी हैं। ये जो उदाहरण है ना, इन्हें आप बिल्कुल शताब्दी वर्ष ना समझें, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष एक ही होता है, लेकिन कंडीशन आपको समझनी है, किस कंडीशन में ये आपके लीप वर्ष में आएंगे, किस कंडीशन में ये साधारण वर्ष में आएंगे। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके अंत में दो जीरो आते हैं, दो जीरो आ रहे हैं, चलो आपको यहाँ तक पता लगा, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, लेकिन केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है, वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है, लेकिन केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है जो कि 400 से विभाजित होता है। कंडीशन समझ गए, अपवाद है शताब्दी वर्ष, और इसने कह दिया है ऐसे वर्ष जिनके अंत में दो जीरो आए वो आपका शताब्दी वर्ष कहलाता है, लेकिन कंडीशन क्या दे दी, इसमें कह दिया है लेकिन केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाए। अब देखते हैं कहाँ कहाँ भाग जा रहा है, चलो पहले इसे पढ़ लेते हैं। अर्थात शताब्दी वर्ष के केस में चार से विभाज्यता मायने नहीं रखती, मतलब ये नहीं कि आप 400 से भाग नहीं दे रहे, आपने भाग दे दिया चार से, वो विभाज्यता मायने नहीं रखेगी आपकी, आपको इस कंडीशन में भाग देना है, अगर दो जीरो आ जाए तो 400 से भाग दे के देखना है आपको, अगर भाग जा रहा है तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है। ये मैंने आपको बताया है ना कि शताब्दी वर्ष आपका लीप वर्ष होता है, देखो भाग जा रहा है पूरा पूरा, कितनी बार, जीरो जीरो चार बार, ठीक है ये आपका हो गया लीप वर्ष। अब तो आपको समझ आया कि अगर दो जीरो आ जाएँ तो आपको भाग 400 से देना है, ना कि चार से। ठीक है, जब आप भाग अपना 400 से देंगे, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है 400 से तो लीप वर्ष है, पूरा नहीं जा रहा तो वो साधारण वर्ष है। देखिए अब इसमें दीजिए 400 से भाग, इसमें भाग नहीं जा रहा, ठीक है इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो ये आपका साधारण वर्ष है। ठीक है, हर एक कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी तब आप सीख पाओगे इस कंडीशन को। 2000 में 400 से भाग दीजिए जा रहा है तो ये आपका लीप वर्ष है, 1900 में 400 से भाग दीजिए नहीं जा रहा तो ये आपका साधारण वर्ष है, 2400 में 400 से भाग दीजिए जा रहा है तो ये आपका लीप वर्ष है। क्या आपको शताब्दी वर्ष की कंडीशन अच्छे से समझ आई? मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, लीप वर्ष का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, चलिए या आपको मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। अब भाई लीप वर्ष के कारण ही तो 29 फरवरी आती है, अब भाई 29 फरवरी ना हो तो साधारण वर्ष के अंतर्गत ही आता है, और लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, ये तो आपको पता है ना, तो बस कुछ नहीं। अब आप कहोगे कि पीछे दो जीरो आ रही हैं, चलिए नियम एक बार देख लीजिए, नियम इसलिए मैंने आपके लिए रफ नहीं किया, आपको समझाने के लिए मैंने रफ नहीं किया ऐसे। देखो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है नियम को आप देखोगे तो देखो ये मैंने 100 लिख दिया, ठीक है अब पीछे दो जीरो आ रही हैं, पीछे दो शून्य आते हैं तो शताब्दी वर्ष कहलाता है। आप कहोगे ये तो शताब्दी वर्ष है, आप क्या कहोगे ये तो शताब्दी वर्ष है, लेकिन केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है जो कि 400 से विभाजित होता है, इसमें 400 से भाग दीजिए, क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो अब आपको ये पता लग गया कि ये जो 100 है ये पता है लीप वर्ष नहीं है, जब ये लीप वर्ष नहीं है तो ये 100 क्या हो गया, साधारण वर्ष।
अब आपको ये कंडीशन पता लग गई कि ये जो 100 की कंडीशन है ये साधारण वर्ष की कंडीशन में है 100, ठीक है। अब आपको इतना पता लगा, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, इतना पता लग जाए तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ को हम समझ गए, ठीक है। अब देखिए 100 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष होंगे, तो अब आप 100 में कितने का भाग देंगे, आप 100 में देखिए हर 4 साल बाद ही तो लीप वर्ष होता है, चलिए लीप वर्ष निकाल लीजिए, 4 से भाग दीजिए तो कितनी बार गया, 25 बार, 25 चौका 100, ठीक है। 25 हो गए आपके लीप वर्ष, 25 हो गए आपके लीप वर्ष, जब आपने 1 से 100 तक में आपने निकाले, क्या निकाले, लीप वर्ष, तो कितने आए, 25। और मैंने आपका ये जो 100 निकाला है, क्यों निकाला है, क्योंकि 100 आपके लीप वर्ष में नहीं है, 100 आपके साधारण वर्ष में है, लेकिन 1 से 100 तक कितने निकाले थे, 25 लीप वर्ष। अब इस 25 में से आपको एक ये घटाना होगा, साधारण वर्ष का एक घटाना होगा आपको, ठीक है। तो कितने लीप वर्ष हो गए आपके, 24 लीप वर्ष इसका हो गया आंसर। आशा करती हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। अब मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया है, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले लिया है, अभी हमने 100 वर्ष वाला किया था, अब आप 200 वर्षों में सीख जाइए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। सबसे पहले तो आप लीप वर्ष वाली कंडीशन निकाल लीजिए, लीप वर्ष किसके कारण होता है, 29 फरवरी के कारण होता है, ठीक है। या तो आपसे ऐसे पूछेगा 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, या आपसे ऐसे पूछेगा 200 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो अभी मैंने आपको बताया लीप वर्ष हर 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी हर 4 साल में एक बार आती है, ठीक है। तो 200 में आपको 4 का भाग देना है, तो कितना हो गया ये, 50 बार गया, बिल्कुल ये आप सीख गए, ये आपने निकाल लिए 50 लीप वर्ष, ठीक है। अभी आपने निकाले हैं, लेकिन आपको अभी एक और कंडीशन देखनी होगी, 20, 1 से 200 तक आप चल रहे हैं, 1 से 200 तक आप चले, तो इसमें एक तो बीच में 100 आएगा, बीच में 100 आएगा, नहीं आएगा, 100, 101, 102 आएगा ना 100। अब इसमें 20 वाली कंडीशन आप देख पा रहे हैं, 20 आते हैं, एक तो 100 में आ रहा है 20, एक 200 में आ रहा है, क्या इन दोनों में 400 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना, इन दोनों में 400 से भाग नहीं जा रहा, तो ये साधारण वर्ष है, ठीक है। एक तो इसका मिल गया हमें, 100 साधारण वर्ष हो गया आपका, और एक आपका हो गया 200 साधारण वर्ष, ठीक है। तो एक और एक 2, 50 में से आपको 2 घटाना है, तो कितने लीप वर्ष हो गए आपके, 48 लीप वर्ष हो गए। उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हमने क्वेश्चन लिया है, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। लीप वर्ष 29 फरवरी के कारण होता है, हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष वाली कंडीशन आती है, जिसे हम 29 फरवरी कहते हैं। तो लीप वर्ष निकालने के लिए आपको 4 से भाग देना होगा, क्यों देना होगा, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। जब आपने भाग दिया तो कितने आ गए ये भाई, ये 100 आ गए, ठीक है, भाग देकर, ठीक है, 100 लीप वर्ष हो गए अभी आपके, लेकिन अभी आपको कंफर्म नहीं है कि ये 100 हैं कि नहीं है। अब 1 से 400 तक में 20 वाली कितनी संख्याएं आएंगी, एक तो देखो आपका 100 हो गया, एक 200 हो गया, एक 300 हो गया, एक 400 हो गया। देखिए 100 में 400 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये साधारण वर्ष है आपका। और 200 में जा रहा है, नहीं जा रहा, ये भी साधारण वर्ष है। 300 में जा रहा है, नहीं जा रहा, ये भी साधारण वर्ष है आपका। 400 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये आपका लीप वर्ष है, ठीक है। ये 3 आपके साधारण हैं, तो आपको 100 में से कितना घटाना होगा, 3, जिससे आपके लीप वर्ष निकल आएँ, ठीक है। इतना सीख गए, बस मुझे आपको इतना ही सिखाना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने ये क्वेश्चन रफ नहीं किया, ठीक है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसे आप देख लीजिए, 400 वर्षों में 29 तारीख, अब 29 फरवरी की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है 29 तारीख की, देख लीजिए 29 तारीख, और ये बात थी 29 फरवरी की,
ठीक है। और ये बात थी लीप वर्ष की। अब बात हो रही है 29 तारीख की, जिसमें साधारण वर्ष भी होगा, लीप वर्ष भी होगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना। जब ये 12 महीने होते हैं तो आप मुझे ये बताइए, बात हो रही है 400 वर्षों में 29 तारीख की, लीप वर्ष तो हर 4 साल में एक बार आता है, लेकिन आप फरवरी को हटा दीजिए। जब आपने फरवरी को हटाया तो जनवरी में 29 जनवरी आएगी, मार्च में आएगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 11 महीने में फरवरी को हटाकर 11 महीने में 29 तारीख आ रही है ना। बस ठीक है, इसमें हमने अभी फरवरी को हटा दिया है, ठीक है, फरवरी को हम इसमें से हटा रहे हैं। तो कितना बचा? 11 महीने बचे। जब आपके 11 महीने बचे, 400 वर्षों की बात हो रही है, तो 400 गुणा 11 तो कितने हो गए? 4412 हो गए, ठीक है। लेकिन अभी हमने फरवरी को नहीं जोड़ा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी। यहाँ तो हमने 29 तारीख निकाल ली, 11 महीने की निकाल ली ना, तो कितने हो गए? 4400। अब हमने 400 वर्षों में जब 29 फरवरी हम निकाल रहे हैं, 400 वर्षों में जब हमने 29 फरवरी निकाली, तो ये 97 बारी तो आई थी। जब ये 97 बार आई तो 4400 में 97 जोड़ दो तो कितने हो गए? 4497, ठीक है। ये तो आपके साधारण वर्ष थे और ये आपके लीप वर्ष थे। ये थे आपके साधारण और ये थे आपके लीप। जब हमने दोनों को जोड़ा तो 4497 बार आपकी 29 तारीख आएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको पढ़ना है विषम दिन के बारे में, कि विषम दिन होता क्या है, इन्हें निकालते कैसे हैं, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं तो आपको समझना होगा, ठीक है। विषम दिन होते हैं ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं, जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं। उदाहरण के जरिए से आप समझ लीजिए, जैसे 15 दिन में विषम दिन बताइए, ठीक है। तो अब हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे 15 में हमें भाग देना है 7 का। सप्ताह में चेंज कर रहा है ना, सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं, 7 का भाग दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? कितना शेष बचा? एक बचा ना। देखो, हमें इस वाली कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। ये हमारा होता है विषम दिन, ठीक है। तो इसमें जो एक विषम दिन है, एक ही तो है, तो एक ही इसका आंसर हो गया। विषम दिन पूछा है तो एक हो गया इसका आंसर। 24 दिन में विषम दिन बताइए, 24 में भाग दीजिए 7 का, कितना शेष बचा? 7 21, 24 में से 21 घटाइए तो 3 शेष बचा ना, तो इसमें 3 विषम दिन है, ठीक है। और ये कह रहा है यदि आज सोमवार है तो 352 दिन बाद, देखिए अगर बाद दे आपको तो प्लस करना है, पहले दे तो आपको माइनस करना है, ठीक है। ये कंडीशन आपको अपने दिमाग में रखनी है, 352 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 352 में आपको भाग देना है 7 का, 7 5 35, 2 शेष बचा, 2 ही तो आपका विषम दिन आया। जब आपका 2 विषम दिन आया, आज सोमवार है, तो अब 2 दिन बाद क्या होगा? मंगल बुधवार होगा ना, तो बुधवार इसका हो गया आंसर, ठीक है, समझ आया। अब ये क्वेश्चन 4 आप देख लीजिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है यदि आज रविवार है, आज कौन सा दिन है? रविवार, तो 100 दिन पहले क्या होगा? 100 में 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 7 चौक 28, कितना बचा? 2, 2 विषम दिन आए। देखो 2 दिन मतलब 100 दिन पहले कह रहा है ना, अब भाई 2 बचा है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, तो इसका जो आंसर आ गया शुक्रवार, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, समझ आ गया होगा। विषम दिन निकालना समझ आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 5 अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है नीता की बहन सीता, मतलब नीता और सीता दोनों बहन हैं, ठीक है, नीता से 352 दिन बड़ी है, मतलब नीता की बहन सीता, नीता की बहन सीता, नीता से बड़ी कौन है? सीता बड़ी है ना,
नीता की बहन सीता नीता से 352 दिन बड़ी है, 352 दिन बड़ी है। यदि सीता का जन्म मंगलवार को हुआ है, सीता का जन्म कब हुआ है? मंगलवार को, सीता का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो नीता का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो ये बताइए, जब बड़ी बहन कौन है? बड़ी बहन तो सीता है ना। अब आज मेरा जन्म हुआ है, मैं अपनी बहन से बड़ी हूँ 352 दिन, तो मेरी बहन मुझसे बाद में तो पैदा हुई होगी कि मुझसे पहले पैदा हो गई होगी? जो कंडीशन समझा रही हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं अपनी बहन से बड़ी हूँ तो मेरे बाद ही तो मेरी बहन का जन्म हुआ होगा, वही समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मतलब ये जो है इसके बाद इसका जन्म हुआ है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया? विषम दिन निकाल लीजिए, 7, 5, 35, 2 आपके आ गए विषम दिन। ठीक है, तो इसमें 2 ऐड कीजिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसका जन्म हुआ है गुरुवार को, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं, इसका आंसर आ गया गुरुवार। ठीक है, अब आपको विषम दिन और शताब्दी वर्षों में विषम दिन निकालने हैं। कैसे निकालोगे? अगर आपको ऐसे याद रखना है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन याद रखने के लिए भी तो हमें मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो बस हमें मेथड के जरिए काफ़ी अच्छी तरीके से याद भी रखना है और मेथड को अपने दिमाग में भी रखना है। ठीक है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। अब मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये बताया था ना। जब साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं, 365 में आप भाग कितने का दोगे? विषम दिन निकालने के लिए कितने का भाग देते हैं? 7 का देते हैं ना। इससे अभी पहले अभी हमने सीखा है, तो जब आपने 7 का भाग दिया तो कितने? 7, 5, 35, 7, 2, 14, तो एक विषम दिन आया कि नहीं आया? ठीक है, ये वाली कंडीशन में। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अब विषम दिन निकाल रहे हो तो भाई 7 का भाग तो देना होगा, तो इधर 2 विषम दिन आ गए। क्या आपको ये कंडीशन समझ आई? काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, शताब्दी वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे? 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या होती है 5, 200 वर्षों में 3। आप कहोगे 100 वर्षों में 5 हो गए, 200 में 3 हो गए, और 300 वर्षों में विषम दिन 1 हो गया, 400 वर्षों में विषम दिन 0 हो गया। तो मैं आपको बिल्कुल बताने वाली हूँ कि ये 100 वर्षों में विषम दिन 5 कैसे हो गए। ठीक है, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आपको 100 वर्ष, अब आप मुझे ये बताइए, 100 वर्षों में जो लीप वर्ष की संख्या हमने अभी निकाली थी, इससे पहले क्वेश्चन में 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, ये अब आपको निकालना है। जब आपने निकाला 100 वर्षों में लीप वर्ष तो कितने आए थे? सबसे पहले तो हमने 100 में 4 का भाग दिया था ना, तो ये 25 आ गए थे। कितने आए थे? 25। जब ये 25 आए थे तो अब आप मुझे ये बताइए, 100 में 400 का भाग जा रहा है, अब भाई पीछे 2 शून्य आ जाए, तो मैंने शताब्दी वर्ष वाली कंडीशन में आपको बताया था कि 400 का भाग दे के देखना है। अब इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, तो 100 भी तो आपका साधारण वर्ष हो गया, तो इस 25 में से आपको 1 घटाना है, तो आपके लीप वर्ष कितने आ गए? लीप वर्ष आपके 24 आ गए। तभी तो कह रही थी कैलेंडर पढ़ने के लिए जो आपको पढ़ा रही हूँ वो सब कुछ आपको आना चाहिए, नोट्स बना लीजिए अगर आपको कैलेंडर सीखना है तो। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि इसमें जो लीप वर्ष हैं कितने हैं? 24। अब भाई 100 में से आप 24 घटा दो तो 76 हो गए आपके साधारण वर्ष। ठीक है, मैं आपको 100 वर्षों में विषम दिन निकालना बता रही हूँ। ठीक है, जब आपके 76 साधारण दिन हो गए, 24 लीप वर्ष हो गए, अब आप मुझे ये बताइए, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है तो इसमें 1 का गुणा कीजिए, और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं तो इसमें 2 का गुणा कीजिए। ठीक है, 76 + 76 24 दूनी 48। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गए 124। ठीक है, अब ये 124 हो गए आपके साधारण वर्ष, और लीप वर्ष जब आपने निकाले तो 124 हो गए। अब आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है आपको? विषम दिन निकालना है ना। जब आपको विषम दिन निकालना है तो आपको 7 का भाग देना पड़ेगा।
हर हालत में देना पड़ेगा आपको, साथ एकम साथ, चाहे आप ऐसे भाग दे लीजिए चाहे आप ऐसे भाग दे लीजिए, साथ एकम साथ हमें मतलब है विषम दिन, जो ये नीचे से स्थल बचता है ना उससे मतलब है हमें, साथ एकम साथ। पाँच बजा, सत्तू सत्तू उनचास, कितने बचे पाँच, पाँच आ गए आपके विषम दिन, पाँच आ गए आपके विषम दिन। क्या आपको ये कंडीशन अच्छी तरीके से समझ आई? आशा करती हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अभी आपको 200 का निकाल के दिखाएंगे, 300 का निकाल के दिखाएंगे, 400 का निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। अब आपको निकालना है 200 वर्षों में विषम दिन, ठीक है। जैसे 100 वर्षों का निकाला था वैसे ही 200 वर्षों का निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष पता होने चाहिए कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं, इसमें कितने साधारण वर्ष हैं, ठीक है। तो बस जैसा कि मैंने आपको बताया था, 200 में 4 का भाग दीजिए तो कितना आ गया 50, ठीक है। अब 1 से 200 तक में जब आप देख रहे हैं तो इसमें शताब्दी वर्ष किया जो मैंने आपको नियम बताया था, पीछे 2 शून्य आ जाएं तो और उसमें 400 का भाग चला जाए तो वो आपका लीप वर्ष होता है। अगर 400 का भाग नहीं जाता तो वो आपके साधारण वर्ष में आ जाता है। तो देखिए 100 और 200, इसमें 400 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो ये दोनों आपके साधारण वर्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। 50, 50 जो आपका निकल के आया, 50 में से आपको 2 घटाना है तो 48, ठीक है। 200 में आपके साधारण हो गए कितने और लीप हो गए कितने, लीप हो गए आपके 48। अब 200 में से आपको 48 घटाना है तो कितना बचा 152, ठीक है। ये आपके साधारण वर्ष हो गए, ये आपके लीप वर्ष हो गए, ठीक है। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। बस कुछ नहीं, 152 प्लस 48 दुनी 96, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 248 हो गए। अब विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग दीजिए, 7 21, 3 7 5 35, कितना बचा 3। क्या आपको ये कंडीशन समझ आई? ऐसे ही आपको 300 का निकालना है, ऐसे ही आपको 400 का निकालना है। 400 में विषम दिन की जो संख्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। 400 में विषम दिन की संख्या आपकी 0 हो जाएगी, 300 में विषम दिन की संख्या आपकी 1 हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो बस आपको ये ऐसे याद रखना है कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ हर कंडीशन में आप इसको याद रखिएगा। मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, ठीक है। 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, ठीक है। और आपको ये भी बताने वाली हूँ, ये जो आपका 400 है, 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 होगा, क्योंकि भाई 400 वैल्यू का मान ही 0 आ रहा है। अब देखिए ये मैंने माना 1600, तो इसका मान भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 3200, बस आपको ये याद रखना है 400 से कटने वाली सभी वैल्यू का मान 0 होगा। अब देखिए 1600 में जब आपने विषम दिन निकालना है 1600 में, तो पूरा भाग ही तो जा रहा है भाई, हमें इससे थोड़ी ना मतलब, हमें मतलब है अपने इससे शेष फल से, विषम दिन से मतलब है। तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का जो मान होगा वो 0 होगा, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तभी तो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, हर कंडीशन में आपको इनको देखो, 2 तो मैंने आपको निकल के बता दिए, अब 2 आपको खुद निकालने हैं जिससे आप सीख जाओ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 100 वर्षों में विषम दिन निकालना बता दिया, 200 वर्षों में निकालना बता दिया, 300 वर्षों में निकालना बता दिया, 400 वर्षों में निकालना बता दिया, अब इसके बाद 1900 आ गया तो इसे कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि 400 वर्षों में हमने आपको बता दिया है ना कि 400 के पहाड़ी में जो भी संख्या आएगी जिसमें 400 का भाग जाएगा उसका जो मान होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, 1900 में कितने विषम दिन होंगे ये पूछा है ना, तो बस हमें कुछ नहीं करना, 1900 को लिख लेना है। अब आप मुझे ये बताइए,
अब 400 से आपको भाग देना है ना, 4 × 4 4 × 2 8 4 × 3 12 4 × 4 16 4 × 5 20 4 × 4 16 और 4 × 5 20 देखिए 1900 से 1600 कम है और 1900 से 2000 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला हमें मैटर नहीं करता। अब हमें 1900 में से 1600 घटाना है तो कितना आया, 300 आया ना घटा के। अब भाई 1900 को हमने कैसे लिख लिया, 1600 प्लस 300 तो 1900 हो गया। क्या मैंने ऐसा लिख लिया तो आपको समझ नहीं आया? भाई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें अगर मैं 400 से भाग दूंगी तो इसका तो जीरो आ जाएगा। अब बचा कुचा आपका 300 है। अब 300 का जो मान होता है वो एक होता है, तो इसका आंसर एक हो गया। 1900 में कितने विषम दिन होंगे, 1900 में एक विषम दिन होगा। आशा करती हूँ सीख गए होंगे आप। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है 1947 का अंतिम दिन क्या होगा, ठीक है, ये प्रश्न दिया है। इससे पहले अब देखो दिन पूछा गया है तो दिन के कोड हमें पता होने चाहिए। अब देखिए जीरो मतलब जीरो का मतलब है एकदम फ्री तरीके से, ठीक है, रविवार को हम फ्री रहते हैं ना, तो इसलिए हमने जीरो मान लिया है, ठीक है। और सोमवार, सोमवार का एक, मंगलवार का दो, बुधवार का तीन, बृहस्पतिवार का चार, शुक्रवार का पाँच, शनिवार का छः, ये कोड आपको याद रखने हैं हर कंडीशन में हर हालत में, ठीक है। तो देखिए 1947 का अंतिम दिन पूछा है तो 1947 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1947 को मैं 1900 + 47 लिख सकती हूँ। जब मैंने ऐसे लिख लिया, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था 1900 में कितने विषम दिन होंगे तो उसका आंसर एक आया था ना, और वो आप देख लेना कैसे एक आया था, ठीक है। तो इसका जो हो गया वो तो एक हो गया 1900 का, क्योंकि 1900 को अभी हमने कैसे तोड़ा था, 1600 प्लस 300, और 300 में कितने विषम दिन थे, 1600 का तो देखो 400 में पूरा भाग जा रहा था तो उसका जीरो हो गया था, और 300 में विषम दिन एक, तो इसीलिए इसका एक हो गया, ठीक है। अब 47 में आपको क्या करना है, इसमें ये देखिए कितने साधारण वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष हैं, कितने साधारण हैं और कितने लीप हैं। 47 में जब आप 4 का भाग दोगे लीप वर्ष के लिए, ये वाली कंडीशन ली जाती है, ये वाली, ठीक है। विषम दिन के लिए शेष फल वाली कंडीशन ली जाती है ना, 4 × 4 और 4 × 4 3, ये वाली कंडीशन नहीं ली जाएगी, ये ली जाएगी, ठीक है। 11 हो गए इसमें विषम, सॉरी लीप वर्ष हो गए, हमें विषम दिन से कोई मतलब नहीं है, इसमें हमें मतलब रहता है इससे भागफल से, ठीक है। जब 11 आपके लीप वर्ष हो गए तो 36 आपके साधारण वर्ष हो गए। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक होता है, और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। इनको जोड़ लीजिए और 7 का भाग दे दीजिए तो फिर आपका क्या निकल आएगा, विषम दिन निकल आएंगे, ठीक है। तो 36 प्लस 22 कितने हो गए, ये हो गए आपके 58 हो गया। अब इसमें 7 का भाग 58 में दीजिए तो कितना विषम दिन हो गया, 2 हो गया ना, 7 × 2 = 56, 2 इसमें शेष बचा ना, तो इसका 2 हो गया, ठीक है। इस पूरी कंडीशन का जो विषम दिन आया है 2 आया है, इसका 2 आया, इसका 1 आया, इन दोनों को जोड़ लीजिए कितने हो गए, 3, ठीक है। जब इसका 3 आया है तो तीसरे नंबर पर उसने क्या पूछा है, अंतिम दिन पूछा है ना, तो भाई 3 नंबर पर क्या है, बुधवार है, तो इसका आंसर हो गया बुधवार। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, साधारण वर्ष आपको पता होने चाहिए, लीप वर्ष पता होने चाहिए, ये सब कुछ निकालना मैंने आपको बता ही दिया है काफ़ी अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना चाहते हैं तो हम आपको वो भी बता देते हैं। 1947 का अंतिम दिन पूछा है ना, तो बस कुछ नहीं करना आपको, 1900 + 47 लिख लो 1947 को प्लस। अब आपको ये जो 47 है, इस 47 में लीप वर्ष निकालने हैं, बस लीप वर्ष जब आप निकालोगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 11 आपके लीप वर्ष हो गए, ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। अब आपको विषम दिन निकालने के लिए सब में 7 का भाग देना होगा, ठीक है। उससे पहले अभी हमने आपको बताया था कि 1900 का जब आपने विषम दिन निकाला था तो एक आया था, अब 7 का भाग आप इसमें दीजिए, 7 का भाग इसमें दोगे 7 × 6 = 42 तो 5 आया, और 7 का भाग आप इसमें दोगे 11 में तो कितना आया, 4 आया।
नौ दस, ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, फिर दोबारा सात का भाग दे दीजिए। इसमें विषम दिन निकालने के लिए सात का भाग आपको जब तक देना होगा जब तक वो संख्या सात से कम नहीं आ जाती, ठीक है। सात एकम सात तीन आया, तीन पे आपका अभी हमने देखा था बुधवार आंसर था, ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर। जैसा कि आप इस नोट पॉइंट को देख पा रहे हैं, ठीक है, नोट पॉइंट कह रहा है किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होते हैं, मतलब जो साधारण वर्ष का पहला दिन होगा वही उसका अंतिम दिन होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा नोट पॉइंट कह रहा है किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन अधिक होता है, मतलब जो लीप वर्ष होता है उसका जो प्रथम दिन होता है अंतिम दिन से एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं 1924, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1924 का अंतिम दिन क्या होगा। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो साधारण वर्ष का था, ठीक है। अब ये 1924 में देखिए चार का भाग जा रहा है, तो ये लीप वर्ष हुआ ना, जब ये लीप वर्ष हो गया तो अब ये वाली कंडीशन देखो 1924 का अंतिम दिन क्या होगा, ठीक है। और फिर यही क्वेश्चन किया है इसने 1924 का पहला दिन, चलो इसको निकाल लेते हैं। और फिर अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। 1924 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ 1900 प्लस 24, ऐसी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। 24 में अब चार का भाग देंगे तो 6 आ गया, ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ आई। अब आप इस पर मत जाना कि अब ये 6 कहाँ से आ गया, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, अब आपका जो 1900 का जो विषम दिन हमने निकाले थे, 1900 का जो कोड था एक था, ठीक है, एक ही तो निकल के आया था। और अब इसमें हम सात का भाग देंगे, सात दिया 21, कितना बचा 3 प्लस 6, अब इन सबको जोड़ो 10 हो गए, 10 में 7 का भाग दो, कितने विषम दिन आ गए 3, 3 पे अभी मैंने आपको लिखाया था 0 पे रविवार है, 1 पे सोमवार है, 2 पे मंगलवार है, 3 पे बुधवार है, 3 पे कौन सा वार है, बुधवार है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है आपका। अब 1924 का पहला दिन पूछ रहा है, अब देखिए ये पॉइंट पढ़िए, ये भाई लीप वर्ष का क्वेश्चन है, 1924 का अंतिम दिन हमने बुधवार निकाला है, किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन अधिक होता है, जब ये बुधवार है तो ये मंगलवार रहा होगा, क्योंकि पहला दिन भाई अंतिम दिन से एक दिन कम होता है और अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन क्या होता है, ज़्यादा होता है अंतिम दिन, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो कोड से संबंधित करेंगे, ठीक है, उससे पहले हमें कोड याद होने चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 महीने के कोड काफ़ी अच्छी तरीके से हम याद करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मैंने साधारण वर्ष के कोड लिखे हैं, एक तरफ मैंने लीप वर्ष के लिखे हैं, ठीक है। कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड अलग अलग हैं, नहीं तो सारे आप देख लीजिए सारे ही सेम हैं, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें बस कोड याद रखने हैं साधारण वर्ष के, आप याद कर लीजिए। कैसे याद करोगे, देखिए 144, तो भाई 144 वर्ग कितने का होता है, 12 का वर्ग होता है, याद हो गया। अब 0 2 5, अब भाई देखो 3 आपको याद करने हैं ना, तो 25 5 का वर्ग होता है, ये भी याद हो गया। 0 3 6, ये आपका 6 का वर्ग होता है, 36 ये भी याद हो गया। और 164 इसे आप ऐसे याद रख लीजिए, सॉरी 164 नहीं 146 इसे आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अब आपको ये कंडीशन समझ आई, अब बस इसमें क्या है, जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में 0 3 हो जाता है जनवरी फरवरी का, नहीं तो बाकी सब सेम है। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन कौन से जो मतलब महीने हैं, कौन कौन से महीने हैं जो समान होते हैं, तो जनवरी के समान अक्टूबर है, नहीं तो आप देख लीजिए जनवरी का कोड एक है और अक्टूबर का कोड भी एक है, तो जनवरी के समान अक्टूबर है, सितंबर के समान दिसंबर है, सितंबर का 6 है दिसंबर का भी 6 है, फरवरी अप्रैल और जुलाई का समान है, ठीक है, अप्रैल और जुलाई का, अप्रैल का 0 है और जुलाई का 0 है, फरवरी मार्च और नवंबर के तीनों के कोड एक जैसे हैं, फरवरी मार्च और नवंबर, देखिए
इन तीनों के कोड 4444 हैं, ठीक है। मतलब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कौन सा जो महीना है, आपको कहेगा अप्रैल महीने के समान कौन सा महीना है, तो आप बता दोगे जुलाई, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही साधारण वर्ष में ऐसे तीन महीने हैं, मई जून अगस्त, जिनके समान उस वर्ष में कोई भी नहीं है, मतलब इनके समान कोई भी कोड नहीं है, ठीक है, समझ आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपने साधारण वर्ष में देख लिया, अब आप लीप वर्ष में देख लीजिए कि कौन कौन से समान होते हैं, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ठीक है। जनवरी का कोड देख लीजिए 0, अप्रैल का भी 0 है, जुलाई का भी 0 है, ठीक है, ये तीनों समान होते हैं। फरवरी और अगस्त होते हैं समान, फरवरी का 4 नहीं है, फरवरी का 3 है और अगस्त का भी 3 है। मार्च और नवंबर समान होते हैं, मार्च का 4 है और नवंबर का भी 4 है। सितंबर और दिसंबर समान होते हैं, सितंबर का है आपका 6 और दिसंबर का भी 6 है, ठीक है। ये तीन ऐसे हैं, मई जून अक्टूबर, इनके कोई कोड नहीं होते, ये किसी के समान नहीं होते, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने विषम दिन पढ़े हैं, लीप वर्ष पढ़े हैं, हमने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, तो बस कुछ नहीं, 15 आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, 15 आपको ऐसे ही लिखना है। अगर कभी भी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएं, तो इनमें अपनी तरफ से हमें 5 जोड़ना है, हर कंडीशन में, हर क्वेश्चन में अपनी तरफ से 5 जोड़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड है आपका 3, ठीक है, कोड मैंने तभी तो लिखवाए हैं, 3 हो गया। अब भाई 1947 को क्या लिखोगे, 1947, ये मैंने आपको सिखाया नहीं है, 1900 में विषम दिन की संख्या आपको निकालनी है, ये मैंने आपको सिखाया है ना। अब आप 1600 प्लस 300, ठीक है, अब 400 का 1600 में भाग दोगे तो ये तो भाई 0 हो गई, प्लस 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी थी, 5 थी, 200 वर्षों में 3 थी, 300 वर्षों में 1 थी, 400 वर्षों में 0 थी, तो इसका जो कितना हो गया 1, 1900 का हो गया आपका 1, ठीक है, समझ गए, 1900 का 1 हो गया, और 47 आपको लिखने हैं, 47 लिख लिया आपने, और इस 47 में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं ना, इसमें आप 4 का भाग दीजिए तो कितना हो गया, सॉरी ऐसे 4 का भाग दीजिए तो 11 आ जाएगा, 11 लिख लीजिए यहाँ पे, और अपनी तरफ से 5 जोड़ने हैं, इसमें हमें अपनी तरफ से 5 ऐड करना है, हर क्वेश्चन में अपनी तरफ से 5 ऐड करना है, ठीक है, 5 ऐड करना है, ये कंडीशन आप समझ गए, हर क्वेश्चन में अपनी तरफ से 5 हमें जोड़ना है। 15 अगस्त 1945 को कौन सा दिन था, तो चलो कोई नहीं, अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो 7 का भाग इसमें दे सकते हैं, 7 से कम जो संख्या है उसमें आप 7 का भाग मत दीजिए, ठीक है, 7 का भाग इसमें देंगे तो कितना शेष बचेगा, 7, या फिर आप सबको जोड़ के एक साथ 7 का भाग दे दीजिए, ठीक है, चलो मैं सबको जोड़ लेती हूँ, तो 11 और 5 16 में इसे जोड़ लीजिए, 53 54 55 56 57 57 हो गए यहाँ तक, 57 और 45 कितने हो गए, 9 10 102, ठीक है, समझ गए ना। अब हमें क्या करना है, 7 का भाग देना है, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, कितना बचा, 4 बचा, ये जो विषम है ये आपका आ गया विषम दिन, क्या आ गया, विषम दिन, 4 विषम दिन हो गए, 4 पे कौन सा दिन होता है, अभी हमने वो कोड लिखे थे ना, मतलब 0 पे रविवार है, 1 पे सोमवार है, 2 पे मंगलवार है, 3 पे बुधवार है, 4 पे आपका गुरुवार है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया
गुरुवार आपका हो गया आंसर। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, आज़ादी जब हुई थी तब कौन सा दिन था। चलिए निकाल लेते हैं क्योंकि हमें 12 महीने के कोड हमको आते हैं ना। अब आप मुझे ये बताइए जी, ये जो 47 है ये आपका लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो भाई ये आपका कैसे पहचानोगे, पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो ये आपका साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष है। देखिए 15 को आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब आपने 15 को ऐसे लिख लिया, अब आपको क्या करना है, अगस्त का कोड देखिए, इसमें अगस्त का कोड है 3, समझ आया आपको। अब यहाँ आपको अगस्त का कोड लिखना है, फिर आपको क्या करना है, 1947 को मैंने आपको ऐसे ही तो बताया था, मैं आपको बता रही हूँ और मैंने एक्चुअल में आपको बता भी दिया है, ठीक है। इसको मैं लिखूँगी 1900 + 47, ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, जब मैंने आपको 1900 में विषम दिन की जो संख्या बताई थी, मैंने 1900 वर्षों में विषम दिन की संख्या बताई थी, तो मैंने क्या बताया था कि इसको ऐसे लिख लीजिए कि मतलब 400 से भी भाग चला जाए इसमें, और जो बचे कुचे दिन होते हैं, देखो मैंने 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या 5 बताई थी, नहीं तो इससे पहले आप उठा के देख लीजिए नोट्स, 200 वर्षों में, और आपको मतलब निकालना भी सिखाया है, 200 वर्षों में 3 है, 300 वर्षों में आपकी 1, 400 वर्षों में 0, ये कंडीशन ही तो बताई मैंने आपको। जब मैंने आपको इतना बता दिया तो 1900 को आप कैसे तोड़ोगे, 1600 + 300। अब भाई 1600 मैंने इसलिए रखा क्योंकि 1600 में 400 का भाग चला जाएगा ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 400 ऐसी संख्या आपको लेनी है जिसमें 400 का भाग चला जाए, तो ये 0 हो गया, और 300 का कोड कितना है, 1, तो ये 1900 का जो कोड आ गया 1 आ गया ना, 1900 का 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 47 है, ठीक है, 1900 का 1 कोड आ गया और 47 का भी हमने 47 ही रखा है, ठीक है, 1 यहाँ रख लीजिए, 47 यहाँ रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो 47 है इसमें आपको ये देखना है इसमें कितने लीप वर्ष हैं, ठीक है, 47 में कितने लीप वर्ष हैं। अब आप लीप वर्ष निकाल रहे हो, ठीक है, लीप वर्ष हर 4 साल में एक बारी तो आता है, तो 4 का भाग आपने दिया 47 में, तो कितना आया, यही तो 11 आया। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, 4 × 4 कितना, अब ये 7 उतार लिया, 4 × 4 3 आया इसका शेष, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लीप वर्ष में इससे मतलब होता है, ठीक है, 11 लिख लिया। और ऐसे क्वेश्चनों में अपनी तरफ से हमें 5 जोड़ना है, अपनी तरफ से हमें 5 जोड़ना है, लिख लीजिए, अपनी तरफ से 5 जोड़ते हैं, अपनी तरफ से 5 जोड़ते हैं, समझ आया, 5 जोड़ दीजिए इसमें। अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 15 और 3 = 18 = 19, 19 में 47 जोड़ना है आपको, और 11 और 5 कितने हो गए, 11 और 5 = 16, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 16 = 2, हासिल 2 हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, 82 हो गया। लेकिन इसमें पूछा क्या है, कौन सा दिन होगा, दिन निकालने के लिए 7 का भाग भी तो देंगे भाई, जो विषम दिन होगा उसका हम दिन निकाल लेंगे, जो भी संख्या आएगी, ठीक है, तो 82 में आपको 7 का भाग देना है। जब आप 7 का भाग दोगे तो विषम दिन निकल आएगा आपका, 7 का भाग दीजिए, 7 का भाग दो, 7 × 7, और विषम दिन कौन सा होता है, ये वाला आपका विषम दिन होता है। भाई ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इस कंडीशन पर लाने के लिए मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है इससे पहले, वो क्यों सिखाया, अगर मैं वो नहीं सिखाती तो आप इसको नहीं निकाल पाते, अगर मैं विषम दिन नहीं सिखा पाती तो आप इनको भी नहीं निकाल पाते, है ना, तो हर एक चीज़ जुड़ी हुई है यहाँ से, ठीक है, 5 विषम दिन हो गए। अब देखिए 0 पर आपका रविवार है, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार,
3 पर बुधवार, 4 पर गुरुवार, 5 पर शुक्रवार। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ गया, शुक्रवार को हम लोगों को आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, समझ गए ना। बस कुछ नहीं है, 15 लिख लेना है, फिर अगस्त का कोड लिखना है, फिर 1947 है, अगर यहाँ होता 2025 होता तो अब 2000 कर लेते, प्लस 25 कर लेते। ठीक है, 2000 का, अब भाई मैं आपको 2000 का समझा रही हूँ, 2000 में 400 का भाग जा रहा है तो इसका तो भाई जीरो ही हो जाता अपने आप ही, बचा यहाँ आप जीरो कर लेते, फिर बचा 25, और फिर 25 में आप भाग देते, जो भी मतलब भागफल आता उसे यहाँ लिख लेते और 5 अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन 2 दिया गया है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब आपको ये देखना है 50 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये आपका साधारण वर्ष है। ठीक है, समझ गए ना, लीप वर्ष में 4 का भाग जाता है और साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो जब हमको ये समझ आ गया तो मतलब ये वाला कोड चलेगा आपका। ठीक है, देखिए 26 जनवरी है, 26 लिख लिया मैंने, जनवरी का कोड है साधारण वर्ष में 1। ठीक है, अब 1950 को मैं क्या लिख लूँ, 1950 ये लिख सकती हूँ ना, ये लिख सकती हूँ। अब भाई 1900 का जो कोड है, मतलब आपको मैंने समझा दिया है, इसको आप 1600 कर लीजिए और इसको 300 कर लीजिए, इसका जीरो हो जाता है, इसका एक हो जाता है, इनको जोड़ोगे तो 1900 का कितना बना, 1। ठीक है, समझ गए, 1900 का 1 हो गया, यहाँ लिख लिया मैंने 1900 का कोड। अब ये जो 50 है इसको मैं ऐसे ही उतारूँगी। ठीक है, 50 में से मैंने ऐसे ही लिख लिया 50। अब 50 में मुझे ये देखना है कितने लीप वर्ड्स हैं, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे लीप वर्ड्स इनसे मतलब है, 12 लीप वर्ड्स हो गए, 5 को अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं, 5 को अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया है, 5 को अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 26, 27, 28 और 5 कितने हो गए, 33 और 62 कितने हो गए, 95। अब ये जो 95 आए हैं जोड़ के, इसमें 7 का भाग दीजिए तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने विषम दिन बच रहे हैं। ठीक है, 95 में 7 का भाग देंगे हम, 7 एकम 7, 2 7 21 कितना बचा, 4। अब आपको पता है 4 पर आपका बुधवार होता है ना, बुधवार नहीं होता 4 पर, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, 4 पर आपका गुरुवार होता है। ठीक है, गुरुवार हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये समझ आया। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 29 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन है, आज का दिन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 29, अब आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ देखिए 22 आपका लीप वर्ष है या आपका साधारण वर्ष है, ये तो आपको पता लग गया कि ये आपका साधारण वर्ष है। ठीक है, तो 29 मैंने ऐसे ही लिख लिया, दिसंबर का कोड कितना है, 6 मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए 2022 को आप क्या लिखोगे, 2022 को 2000 + 22 ऐसे ही तो लिखोगे, 2000 का। अब देखिए मतलब कि मैंने आपको बताया था 2000 में तो प्रॉपर आपका 400 से भाग जा रहा है, तो ये तो आपका जीरो हो गया इसका कोड, और इसका कितना हो जाएगा, 2000 का कोड जीरो हो गया। ठीक है, और इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, 22 हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब 22 में हम ये देखेंगे कितने लीप वर्ड्स हैं, 4 × 5 = 20 कितने लीप वर्ड्स हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं रहता, 5 लीप वर्ड्स हैं और 5 को अपनी तरफ से जोड़ लेंगे, ये मैंने आपको बताया है ना, 5 अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, 5 और 5 = 10, 10 और 22 = 32, 32 और 6 कितने हो गए, 38, 29 और 38 को जोड़ लीजिए कितने हो गए, 67। ठीक है, अब इसमें मैं भाग दूंगी 7 का, विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। ठीक है, 7 नाम 63
और यहाँ कितना ये देखो, हमें इससे अब कोई मतलब नहीं होगा। विषम दिन निकालने के लिए जो आपका शेषफल होता है हमें उससे मतलब होते हैं, ठीक है। तो चार आ गया, चार आपका हो गया। चार पे कौन सा मतलब कौन सा बार होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। चार पे है आपका गुरुवार, ठीक है, समझ आया। आज आपका गुरुवार है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 15 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, तो बस कुछ नहीं, 15 लिखना है आपको। जनवरी का कोड सबसे पहले देखिए आप, ये देखिए भाई, 4 से भाग जा रहा है तो ये आपका लीप वर्ष है ना। जब लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड हम क्या लेंगे? 0, ठीक है, 0 हो गया। अब 2004 को आप क्या लिखोगे? 2004 को आप क्या लिखोगे? 2000 प्लस 4, यही तो लिखोगे। अब इसमें तो 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसमें जो आएगा विषम दिन वो 0 हो जाएगा। और 4 में आप 4 को 0 और 4 आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है, 0 और 4 ऐसे ही लिख लीजिए। जब आपने लिख लिया, अब 4 में आपको विषम दिन निकालने हैं, वो सॉरी लीप वर्ष निकालने हैं। तो एक लीप वर्ष हो गया, एक को यहाँ लिख लीजिए, 5 अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, यही तो बताया मैंने आपको। अब देखिए 5 और 5 10, 10 हो गए, 10 और 15 कितने हो गए? 25, 25 में 7 का भाग दीजिए, 7 दिया 21, कितना बचा? 4, 4 पे आपका क्या है? गुरुवार, यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब आपको ये क्वेश्चन दिया है 15 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो मतलब कौन सा दिन था 15 मार्च 2000 को, कौन सा दिन था? तो 15 मैंने ऐसे लिख लिया, मार्च का कोड देख लीजिए, क्योंकि देखिए जनवरी और फरवरी के जो कोड हैं वही तो चेंज होते हैं, मार्च से सबके बराबर हैं, और ये आपको पता है लीप वर्ड्स है ये आपका, ठीक है। तो 4 हो गया इसका, और 2000 को तो भाई आप 2000 ही लिखेंगे, 2000 को तो 2000 ही लिखोगे ना। तो देखो 2000 में 400 का भाग जाएगा तो ये 0 हो जाएगा इसका, और आपने इसका ये 0 भी ले लिया है, ठीक है, ये हो गया आपका, और 0 हो गया। अब जब आप लीप वर्षों की संख्या निकालोगे तो इसमें 0 ही तो होगा, तो लीप वर्ष भी आपके 0 हो गए। अब बचा क्या आपका? आपका बचा कि अपनी तरफ से हमें 5 जोड़ना है, ये मैंने आपको बताया है ना कि अपनी तरफ से 5 जोड़ना है। तो बस कुछ नहीं, सबको जोड़ लीजिए, जोड़ के 24 हो गया, 24 में 7 का भाग दीजिए, 7 3 21, कितना बचा? इसमें बचा 3 से, इस 3 पे आपका क्या है? 3 पे आपका बुधवार है, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना, ये तो काफ़ी सिंपल था, ठीक है। साथियों, आज मैंने आपका कैलेंडर काफ़ी अच्छी तरीके से कराया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया हो। एक क्लास आपकी कल आ जाएगी, उसमें आपका पूरा कैलेंडर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।